हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरल कृषि में। मैं हूं आपका दोस्त राघव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गन्ने में बहुत यूज़ होता है। शायद आपको पता है कि गन्ने के अंदर क्या हो जाता है, दिक्कत क्या है, पत्तियों का दिक्कत होता है। किसान क्या करते हैं, जो भी पत्ते होते हैं हार्वेस्ट के बाद या ड्यूरिंग जब प्लोइंग प्लांटेशन होता है, तब क्या करते हैं, हार्वेस्ट के बाद पत्ते जो है जला देते हैं। लेकिन उसमें क्या है, उनका ही लॉस है। और क्या है, ड्यूरिंग प्लांटेशन क्या करते हैं, पत्ते खुद निकालते नहीं हैं। लेकिन इससे क्या है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है। दोस्तों, क्या होता है, जब हमें ड्राई लीव्स, हमें क्या है मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो हरे लीव्स रहते हैं, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, वो ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब ये ड्राई लीव्स होते हैं, ये इसका क्या काम हो जाता है, मतलब हमें क्या है, इसको निकाल देना चाहिए। अगर ऐसा रहा कभी बारिश हो गया तो इससे क्या हो जाता है, जो भी अफेक्टेड एफिड्स है, जो भी कीटर है, बहुत सारे लग जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपके जो IPM जो प्रैक्टिस है, जो भी कीटनाशक हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या हो जाता है, आपका खर्चा जो है ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या है, ध्यान देना है, आपको प्लांटेशन से, जब हम प्लांटेशन करते हैं, तब से 45 डेज के बाद या 2 महीने में, आपको इंटरवल के अंदर, 2 महीने इंटरवल में क्या है, जो भी ड्राई लीव्स रहते हैं उसको आपको निकाल देना है और ज़मीन पे छोड़ देना है। और छोड़ने से क्या हो जाता है, इसको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिक्स करके आपको डिकम्पोज भी कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली मल्चिंग करने से क्या हो जाता है, जो भी आप पानी यूज़ करते हैं वो इवेपोरेट नहीं होता है, आपका पानी भी बचत होता है। और जो भी वीड्स रहते हैं, जो भी खेत में वीड्स होते हैं, जो घास होते हैं, वो भी क्या है, ग्रोथ होने का स्टॉप हो जाता है। कि मतलब जब सनरेज ज़मीन पे नहीं गिरता है, डायरेक्टली नहीं गिरता है, तो उसका जो वीड होता है वो भी आपका स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज है। लेकिन किसान क्या करते हैं, इसके लेबर होते हैं, लेबरस खर्चा बहुत होते बोल के क्या करते हैं, इसको निकालते नहीं। लेकिन मेरे पास एक टूल है जो कि शुगरकेन डी ट्रैशर है। बस आपको क्या है, बस आपको पकड़ना है, हैंडी मैनुअली ऑपरेटेड है, बहुत हैंडी है। और इसमें क्या है, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया हुआ है, जो भी हम जो आइस, जो गन्ने का जो आँख रहते हैं, वो उसको डैमेज नहीं होता है। और ये क्या है, हर गन्ने का एडजस्टेबल है, जो भी साइज, अगर छोटा रहा तो छोटा भी साइज हम कर सकते हैं एडजस्ट, अगर बड़ा है तो साइज का जो विड्थ है वो भी बड़ा हम इससे कर सकते हैं। देखो, बस आपको क्या है, बस इस तरह से पकड़ना है, और आपको जो ग्रीन लीफ है उसको छेड़ना नहीं है, बस आपको ड्राई लीफ है जो वो है, जो अफेक्टेड है उसका, उसको ही बस आपको इस तरह से पकड़ के बस इस तरह निकल जाना है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इधर आप देख सकते हो, जो भी आइस है इसको, आइस को कभी इफेक्ट नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो खर्च है वो आप बचा सकते हो, और आपके जो फसल है वो भी बढ़ा सकते हो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से, सिंपल टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और किसान मित्र के साथ में शेयर करना मत भूलना। अगर आपको ये टूल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।